हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मैथ्स फैमिली। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.3 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, हमारे पास एक गार्डन है रेक्टेंगल शेप में, जिसका हमें लेंथ 90 मीटर दिया है और हमें और ये विड्थ जो है इसकी ब्रॉड है ये 75 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ आप गिवन लिख लो, गिवन लेंथ ऑफ गार्डन 90 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ कितना है 75 मीटर। ठीक, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, इसलिए एरिया ऑफ गार्डन कितना होगा, एल इंटू बी। ठीक है, तो एल की वैल्यू 90, ब्रेथ की वैल्यू हमारी ये, जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6750 मीटर स्क्वायर। ठीक, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ड आउटसाइड एंड अराउंड इट। ठीक है, अब इसके चारों ओर, ठीक, 5 मीटर चौड़ा एक पाथ बनाया जाता है। ठीक है, ठीक, ये जो है ये हमारा कितना है 5 मीटर, ये, ठीक है, ये हमारा कितना है, सब 5 मीटर है, 5 मीटर चौड़ा हमारा क्या बनाया जाता है, ये पाथ बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, तो हमें इस पाथ का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले आप देखो, सबसे पहले लेंथ आप निकाल लो, लेंथ ऑफ गार्डन विथ पाथ। ठीक है, पाथ सहित लेंथ की गार्डन कितनी होगी, ये हमारा 90 था, अब पाथ हमारा इतना है, ठीक है, इतना लंबा है, तो हमें यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पता करनी है, ये हमारी 90 है, तो यहाँ से 5 और ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 मीटर चौड़ा है ना सब। ठीक है, तो क्या रहेगा, 90 प्लस 5 प्लस 5, दोनों प्लस 5 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 100। ठीक है, इसी तरह ब्रेथ निकाल लेंगे, ब्रेथ ऑफ गार्डन विथ पाथ। ठीक है, ब्रेथ क्या है हमारी, 75 है प्लस, ठीक है, 5 मीटर आपको क्या हो जाएगा, जब ये इतना आ जाएगा यहाँ, तो 5 मीटर ये हो जाएगा, 5 मीटर ये, 5 5 इधर भी बढ़ जाएगा दोनों तरफ। ठीक, 5 प्लस तो क्या आ जाएगा, 75 85। ठीक है, तो इसलिए एरिया ऑफ गार्डन विथ पाथ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, क्या आ जाएगा हमारा, 8500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमें एरिया निकल गया। अब हमको क्या कह रहा है, अब हमको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, अब हमें पाथ का एरिया फाइंड आउट करना, तो पाथ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इस पूरे के एरिया में से हम इतना एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, इसलिए एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ माइनस एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ। एरिया ऑफ गार्डन विथ पाथ होगा, पाथ सहित, और एरिया ऑफ गार्डन विदाउट, यहाँ विदाउट आप लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू 8500, ये माइनस 6750,
5 0, ठीक है। हम इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा, 10 में 5 गए 5, 7, ठीक ये हमारा आ जाएगा। ठीक, ये हमारा एरिया आ गया किसका, ये हमारा एरिया आ गया हमारा पाथ का, ठीक है। अब इसी एरिया को हमें हेक्टेयर में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, हम जानते हैं चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स कर देंगे, इसलिए 1,7,500 मीटर स्क्वायर में वन कितना हो जाएगा, 1,750/10,000 हेक्टेयर, ठीक है। और हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, अरे क्या निकालना है हमें, किसका निकालना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन, गार्डन का निकालना है। तो गार्डन का कितना है, ये आया ना 6,750, तो ये यहाँ 6 कर देंगे, ठीक है। एरिया गार्डन का तो 6,750, तो ये आ जाएगा हमारा 0., जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 6,750 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये हमारा हेक्टेयर में हो जाएगा एरिया का गार्डन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक। अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ क्लिप कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। अब हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, सपोज करो आप ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, जो ये हमारा 8 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्ग है और 5 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। सच दैट द देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलॉन्ग ईच ऑफ इट साइड, ठीक है। अब यहाँ आप मान लो कि यहाँ एक पिक्चर बनाई जाती है, इस कार्डबोर्ड पे एक पिक्चर बनाई जाती है, इस तरह से बनाई जाती है, क्या कहते हैं कि इसके चारों ओर जो मार्जिन होती है, ये 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ के पिक्चर बनाई जाती है, ठीक है। वही चीज़ हमको कह रहा है, वहाँ पे वो चीज़ बाहर साइड होती थी, यहाँ अंदर। भाई आप पिक्चर बनाओगे तो अंदर बनाओगे, मार्जिन बाहर छोड़ोगे ना, कार्डबोर्ड के बाहर तो मार्जिन छोड़ोगे ना, तो वही चीज़ कह रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा है, ये हमारा 1.5 सेंटीमीटर की मार्जिन है, ठीक है, छोड़ी जाती है। अब हमें क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन, ठीक है। इस एरिया मार्जिन का ना मतलब इतने पूरे में से हम इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, एरिया पहले आप निकालेंगे, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, 8 लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, 8 × 5 = 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ, इसको आप कुछ नाम दे दो, इसको पी क्यू आर एस दे दो, ठीक है, और इसको ए बी सी, ठीक। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड ए बी सी डी, और एरिया ऑफ पिक्चर, पिक्चर कितने में बना हमारा, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक। पहले आप इसकी लंबाई देखो, लंबाई क्या है हमारी, हमारी इतनी है, ठीक है। ये हमारा 8 सेंटी, ये पूरी 8 है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस, इस पूरे में से अगर हम इतना निकाल देंगे और इतनी डिस्टेंस निकाल देंगे तो हमारा इतना मिल जाएगा, ये हमारा इसके पैरेलल है, ठीक है। तो 8 − 1.5 + 1.5, वहाँ हम क्या करते थे, वहाँ हम जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ हम माइनस कर देंगे। भाई इतना हम निकाल देंगे क्योंकि इतने हमारा 1.5 है, इसकी चौड़ाई इतना 1.5 है, जब इसको निकालेंगे तो इतने की लेंथ हमें मिल जाएगी, वही करना है। इतने ज़्यादा ब्रेथ में, ब्रेथ कितनी है इसकी, क्या कहते हैं, 5 है, 5, और ये माइनस, और यहाँ से 1.5 डिस्टेंस हम निकाल देंगे दोनों तरफ से, ठीक। क्या आ जाएगा, 8 माइनस, ये आप ऐड करोगे कितना आएगा, 3 आएगा, और फिर यहाँ 5 − 3 5 आ गया, और × 5 में 3 का 2, ये 10 आ गया, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ मार्जिन कितना आ जाएगा, इस पूरे के एरिया में से हम इतना घटा देंगे, तो एरिया ऑफ कितना, ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है। कितना, ए बी सी डी का एरिया 40 है, इसका एरिया 10, माइनस कर दिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया एक्सरसाइज 11.4 का फर्स्ट और क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ओके, थैंक यू।